हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना। फ्रीडम ऑफ बिजनेस चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फ्रूट्स के बिजनेस के बारे में बात करने वाली हूँ, यानी कि फलों का बिजनेस, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगेन, ये बिजनेस एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से, यानी कि छोटी पूंजी से शुरू किया जा सकता है। तो अगर आप उन लोगों में से है जो ढूंढ रहे थे कि कोई छोटे स्तर से मैं कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। इनफैक्ट मेरे चैनल पे मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ। मेरा फोकस जो है वो उन्हीं बिजनेसेस पे हो चुका है जहाँ पे आप स्मॉल स्केल लेवल पे अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं, अगर आप एक बिगिनर हैं, तो उनकी मदद हो सके। मेरे चैनल पे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जिनकी नौकरी में इतने पैसे नहीं हैं और अब वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, थोड़ा लाइफ में स्टेबल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके पास अगर ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो किसी की फ्रेंचाइजी ले सकें या फिर किसी हाई प्रोफाइल रेजिडेंशियल एरिया में अपनी दुकान खोल सकें, लेकिन एक छोटे स्तर से अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप फलों की दुकान को खोल सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आपको टोटल लगने वाली है और कैसे इस बिजनेस में ग्रो भी किया जा सकता है। लास्ट में इनफैक्ट मैं कुछ बोनस टिप्स भी आपको दूंगी, अगर आप पहले से ही फलों का व्यापार कर रहे हैं तो कैसे उसमें आप और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि बिजनेस तो शुरू कर लिया लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो बेस्ट लोकेशन क्या हो सकती है जहाँ हम अपनी शॉप को स्टार्ट करें? अब क्योंकि जब ठेले वालों की बात आती है तो वो किसी भी एरिया में जाकर घूमकर अपने फल सब्जियां बेच सकते हैं, लेकिन हमारी तो शॉप है। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा या हमें ऐसी जगह पे शॉप लेनी पड़ेगी जहाँ पे खुद कुएं के पास जो है वो प्यासा चलकर आ रहा है, यानी कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक अच्छी लोकेशन का चुनाव करना पड़ेगा, तभी आपके फल जो है वो बिक सकेंगे। तो आपको दुकान ऐसी जगह पे लेनी है जहाँ पे कस्टमर की नज़र आपके ऊपर पड़ जाए। बेस्ट लोकेशन तो वो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो ऐसे ही जगह चुनिए जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग देखने को मिले, जैसे कि मार्केट एरिया हो गया। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई, फलों को स्टोर करने के लिए भी आपके पास एक अच्छा एरिया होना चाहिए जिससे वो जल्दी खराब ना हो, हवा उन्हें लगती रहे, जिससे वो जल्दी बासी ना हो जाए। बिकॉज अगर माल बासी हो गया तो फिर आप ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे और आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं ठप हो जाएगा। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप उसका अरेंजमेंट भी अपने दिमाग में बना के रखिए कि कैसे आपको एक जगह को लेना पड़ेगा जहाँ पे उन्हें ठंडी हवा लगती रहे। एंड इनफैक्ट ऐसी जगह होनी चाहिए, चाहे तो आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक खुली जगह होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड इनफैक्ट ऐसी जगह चुनिएगा जहां पे बारिश का डर ना हो। अब फल और फ्रूट्स को मैं स्टोर करने की बात कर रही हूँ, लेकिन वो आएंगे कहाँ से? तो अब ये फ्रूट्स कहाँ से लेके आएंगे अपनी दुकान पे आप? इसके लिए आपको सुबह सुबह मंडी जाना पड़ेगा, वहाँ से फ्रेश फ्रूट्स की शॉपिंग करिए। मैं बोलती हूँ कि किसी और को मत लेके जाइए, खुद करिए चुनाव। इनफैक्ट जो क्वालिटी चेक करेंगे आप अपने फ्रूट्स का, वो आप खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड उतना ही फ्रूट खरीदिए जितना आप बेच सके। समझदारी के साथ पैसों को खर्च करना किसी भी बिजनेस में सबसे स्मार्ट तरीका होता है, क्योंकि आप एक नए बिजनेसमैन हैं, अभी आप सिर्फ प्लान बना रहे हैं। तो इस तरीके के बिजनेस में आपको मैं बताती हूँ कि 30,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू में लगेगा। उसके बेसिस पे आप एक अच्छे फल की दुकान को स्टार्ट कर पाएंगे जहाँ 30-40% का प्रॉफिट आप बना सकते हैं। मतलब मैं यही अज्यूम कर रही हूँ कि लेट्स से अगर आपने मंडी से एप्पल्स यानी कि सेब को 60 या 65 रुपए में खरीदा है, तो उसे आप अपनी शॉप में 100 या 110 रुपए तक बेच सकते हो, तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए मैक्सिमम लोग फ्रूट्स की दुकान खोलना भी चाहते हैं। तो अच्छा खासा जब प्रॉफिट आपको मिल रहा है, 30-40% का प्रॉफिट आप कमा पाओगे, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने लगेगा। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी कि ये सारी सब्जियों के प्रॉफिट को देखते हुए ज्यादा घमंड मत करने लग जाना। शुरू में उतना ही पैसा डालिए जितना आप खर्चा कर सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। एंड यूजुअली बहुत सारे बिजनेसमैन सब्जी वाले या फिर फ्रूट वाले इस तरीके की गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और अब सामान बेचना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि बिजनेस में रिस्क हर मिनट पे मौजूद होता है और नए नए सरप्राइजेस आपका इंतजार कर रहे होते हैं। किसी दिन बारिश हो जाती है तो कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आता, या फिर कभी कभी कुछ और प्रॉब्लम आ गई। तो बिजनेसेस में इस तरीके के उतार और चढ़ाव आते ही रहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही उतनी ही फ्रूट्स की शॉपिंग, उतने ही फलों की शॉपिंग कीजिए जो आपको लगता है कि आप बेच सकोगे। तो मुझे लगता है कि बिजनेस सिर्फ समझदार और वो सूझबूझ और समझदारी आपको धीरे धीरे करते करते आ ही जाएगी। अब दुकान स्टार्ट कर ली है, फल भी खरीद लिए हैं, उसको स्टोर करने के लिए
जगह भी बना ली है। तो अब चलिए बात करती हूँ कुछ ऐसी टिप्स की जो इस बिजनेस में आपको अपने कॉम्पिटिशन से बेटर करेगा। तो सबसे पहले तो दुकान को अट्रैक्टिव बनाएं। कोई भी कस्टमर आए तो उसको फलों के रंगों से प्यार होना चाहिए, आपकी दुकान की खूबसूरती से ना एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए लोगों को। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग देखते हैं, नोटिस करते हैं, उसके बाद बार बार उसी दुकान पे ही क्यों चढ़ते हैं, क्योंकि उनको पसंद आता है वहां का माहौल। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ और नई देखी है कि अब के जो व्यापारी हैं, अब के जो बिजनेसमैन हैं, वो काफ़ी बदल रहे हैं, काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। पहले के ज़माने में ना किराने की दुकान अलग होती थी, फलों की दुकान अलग होती थी, सब्जी की दुकान अलग होती थी, लेकिन अब बिजनेस करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है कि वो हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। तो अगर आप भी एक समझदार दुकानदार बनना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगी कि फल तो आप बेच ही रहे हैं डेफिनेटली, और उससे तो प्रॉफिट आप कमा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं अपनी सेम दुकान के थ्रू, तो आप यू नो चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा भी बेच सकते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का एक फ्रिज रख लिया जिसमें जूसेस भी आपने डाल दिए, तो कस्टमर आ रहा है तो आप उसको भी यू नो वो देखकर चीज जरूर नोटिस करेगा, फिर शायद सेकंड टाइम वो खरीद भी ले आपसे। मैं बोलूंगी इसके साथ साथ आप पनीर भी रख सकते हैं, दूध रखना स्टार्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट ब्रेड अगर आप रखेंगे तो ये भी एक अच्छा यू नो सोर्स हो सकता है। इससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है, उसको लगता है कि अच्छा यहाँ सिर्फ सब्जियां नहीं मिलती लेकिन थोड़ा बहुत किराने का सामान भी मिल जाता है, तो इसी दुकान से ही एक साथ सारी शॉपिंग करके मैं अपने घर चला जाऊंगा वापस। एंड इनफैक्ट धीरे धीरे जब आपकी दुकान पर, आपकी शॉप पर कस्टमर्स आने लगेंगे, वो आपसे बातें करेंगे, आप उनसे अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएंगे, वो आपके साथ एंगेज होंगे, तो आपको समझ आने लगेगा कि उनकी जरूरतें क्या है, तो आप उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हो। देखिए ये मैं हर एक बिजनेसमैन को बोलती हूँ, हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको अपनी आँख, कान, नाक तीनों खुले रखने चाहिए। हमारे कस्टमर्स कभी कभी हमारे सामने ही अपनी ज़रूरतों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो हमारे सामने चीख चीख के बता रहे होते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनको किस तरीके की डिमांड यू नो वो कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान सुन लेता है ना उनकी बातों पर वही पैसे बनाकर निकल जाते हैं आगे। तो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने कस्टमर्स की नीड को समझिए, उनको सुनिए, उनकी बातों को जब सुनेंगे तो समझ आने लगेगा कि आपको दुकान में क्या ऐड करना चाहिए। तो ये सिर्फ एक फ्रूट शॉप नहीं बल्कि आप चाहें तो एक मल्टी स्टोर बना के भी कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं अपनी सेम ही दुकान से। इनफैक्ट यहां मैं आपको एक और बहुत अच्छी टिप देना चाहूंगी जो अगर आपने कर लिया तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करने वाला है। फिर वो एक सिंपल फलों की दुकान नहीं रहेगी बल्कि कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए ना आप एक लड़का भी रख सकते हैं। आजकल हर कोई चाहता है कि सब कुछ उन्हें घर बैठे बिठाए मिल जाए, घर की कन्वीनियंस पे ही सब कुछ हो जाए पॉसिबल यू नो, और टाइम बच जाए उनका सबसे बड़ी बात। तो कस्टमर आपको फोन करे कि आज मेरे घर पे पूजा है जी, तो आप यू नो इतने किलो सेब मेरे घर पे भेज दीजिए, संतरे भेज दीजिए और अनार भेज दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपने अपने लड़के को बोलना है कि जाओ उनके घर डिलीवर करके आओ। ये कन्वीनियंस जो आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे ना कि वो पूजा है, वो दुकान में नहीं आ सकते, बिजी हैं, तो इसीलिए उन्होंने घर पे मंगवाया, यहीं से ही आप अपने कस्टमर का दिल जीत रहे हैं। और मैं बोलूंगी कि यहीं से ही आपने एक परमानेंट कस्टमर अपनी दुकान के लिए बना दिया, और यही चीज वो आगे बाकी 10 लोगों को जाके अगर बताएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, तो आपकी दुकान से और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ते चले जाएंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ जो फलों की दुकान को बेस्ट बनाता है, वो ये है कि एक फिक्स टाइम बना लें दुकान खोलने का, क्योंकि ये कोई नॉर्मल किराने की ग्रॉसरी शॉप नहीं है। लोग यूजुअली जब भी सुबह वॉक पे जाते हैं या फिर मंदिर जा रहे हैं या एक्सरसाइज करने के लिए पार्क में जा रहे हैं या दूध लेने के लिए ही बाहर निकले हैं, तभी वो फल सब्जी खरीदना प्रेफर करते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे पहले एक बिजनेसमैन बनने के लिए, एक फलों की दुकान को खोलने के लिए आपको आलस को त्यागना पड़ेगा। सुबह दुकान आप जल्दी टाइम से खोलिए, एक फिक्स टाइम रख लीजिए, उतने पे ही दुकान खुल रही है, टाइम से दुकान खुलेगी तो फिक्स्ड कस्टमर भी डेफिनेटली आपके पास बन पाएंगे। एक चीज और मैं बोलती हूँ जिसको आप गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप कोई नया बिजनेस कर रहे हैं तो लोगों को उधार देने से सख्त मना कर दें। ये आपके बिजनेस के खिलाफ है, और डरे नहीं अपने बात को लोगों को एक्सप्रेस करते हुए कि देखिए हम उधार नहीं देते हैं। अपनी बात को सामने रखने में आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड इनफैक्ट आज अगर आप इस तरीके से ऐसे करेंगे तो लोगों को नेक्स्ट टाइम आपकी दुकान पे चढ़ते हुए खुद ही शर्मिंदा महसूस होंगे वो, जब पूछेंगे कि क्या उधार मिल सकता है या नहीं। तो कुछ थंब रूल्स आप अपनी लाइफ में, आप अपने बिजनेस में बना के चलिए। वैसे तो देखिए मेरे पास और भी बहुत सारी बातें हैं शेयर करने के लिए जो आपके इस यू नो एक सिंपल सी फ्रूट की शॉप को कैसे अपलिफ्ट कर सकती है, कैसे और भी ज़्यादा आप अपने इस बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगी और यहाँ पे आपसे विदा लेना चाहूंगी। इनफैक्ट अगर इस बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई भी और सवाल दिमाग में आ रहा है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मैं समझती हूँ कि बिजनेस को प्लान करना और उसको शुरू करना ये दो अलग अलग बातें हैं। मेरी इस वीडियो से आप मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन आप अपना व्यापार शुरू करने के लिए अगर बहुत सीरियस डिसीजन लेना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार
जरूर फ्रीडम ऐप डाउनलोड करके देखिए, जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे बिजनेस से रिलेटेड। वहाँ पे आपको इतनी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है बिजनेस से रिलेटेड, जितने भी आपके डाउट्स होंगे ना दिमाग में वो सब क्लियर हो जाएंगे। एंड इनफैक्ट उसी की वजह से आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा अपना खुद का एक व्यापार शुरू करने के लिए। तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।